अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रोजगार तो नहीं लोगों को बेरोजगार कर रही योगी सरकार। परेशान महिलाओं ने लगाई अखिलेश यादव से गुहार। अब आप ही बनिए अखिलेश यादव हमारे मददगार। 181 की महिलाओं का छलका दर्द और उठाई मांग। सरकार की नीतियों पर भड़की परेशान महिलाएं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कितना भी ढिंढोरा पीट ले कि वो लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन हकीकत ये है कि योगी सरकार में जो काम कर रहे हैं उन्हें भी बेरोजगार किया जा रहा है। जिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन बनाई गई थी, उसी में काम करने वाली महिलाएं अब परेशान हैं और सरकार की बजाय अखिलेश यादव से वो मदद मांग रही हैं कि आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल 181 हेल्पलाइन में काम करने वाली महिलाओं को जहां बिना किसी कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया, वहीं उनकी सैलरी पर भी रोक लगा दी गई। जिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन बनाई गई थी, उसी में काम करने वाली महिलाएं अब परेशान हैं और सरकार की बजाय अखिलेश यादव से वो मदद मांग रही हैं कि आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल 181 हेल्पलाइन में काम करने वाली महिलाओं को जहां बिना किसी कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया, वहीं उनकी सैलरी भी रोक दी गई। पीड़ित महिलाओं ने जब योगी की मंत्री स्वाति सिंह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। इस बीच बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान हेल्पलाइन में काम करने वाली कानपुर की एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर जान भी दे दी, लेकिन प्रदेश की अंधी सरकार ने उस पर भी संज्ञान नहीं लिया। मामले में पीड़ित महिलाओं ने अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगाते हुए उनकी नौकरी बचाने की अपील की है। वहीं सपा नेताओं का मामले पर साफ कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार के दावे सामने आ रहे हैं, वो बताते हैं कि प्रदेश सरकार एक के बाद एक झूठ बोलकर प्रदेश के लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि पीड़ित लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होती और न मदद की जाती है। परेशान लोगों को अब अखिलेश यादव से ही मदद की उम्मीद दिखाई देती है, इसीलिए लोग सीधे उनके पास आते हैं, जो दर्शाता है कि सरकार का तंबू अब उखड़ने वाला है और सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रही। सपा नेताओं का कहना है कि रोजगार बांटने का दावा करने वाले ढोंगी से हम आंकड़े मांगते हैं तो हमें जनहित विरोधी बता दिया जाता है। पीड़ित हमसे इंसाफ मांगने आते हैं तो हमें साजिशकर्ता बता दिया जाता है, लेकिन खुद के दरवाजे पर कोई मदद के लिए पहुंचे तो सरकार के मंत्री, विधायक और नेता दरवाजा तक नहीं खोलते। और तो और सरकार के मंत्री सीधे मुँह बात तक नहीं करते। सरकार और उसके मंत्रियों के इस रवैये से लोग बेहद खफा हैं और इसका खामियाजा सरकार को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। 181 हेल्पलाइन की पीड़ित महिलाओं ने अखिलेश यादव से मदद की मांग की है और सपा नेताओं का कहना है कि जल्द ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन महिलाओं की मदद करेंगे और इनको इंसाफ दिलवाएंगे, क्योंकि ये पीड़ित हैं और इनके साथ में सरकार गलत कर रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ कहना है कि पीड़ित हमारे साथ आ सकते हैं, हम उनकी बिना किसी शर्त के मदद करेंगे और इस सरकार की हकीकत को लोगों के सामने उजागर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।